start with the name of Allah, who is most beneficial and merciful. Our today topic is psychosocial aspects of dentistry. First of all, one concept in our mind, why we discuss the separate topic of dentistry and psychological aspects. How is difference between psychological aspects of dentistry and other disorder? अगर हम इस चीज़ को गौर से देखें कि हमारी बॉडी का जो मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया वो माउथ होता है, तो जब हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो इनकाउंटर एरिया है वो हमारा माउथ है। बाकी जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो डिस्कस हम कर सकते हैं, लेकिन जिस ऑर्गन के थ्रू हमने डिस्कस करना है वो हमारा माउथ है। अगर उस एरिया में प्रॉब्लम है कि जिसके थ्रू हमारा फर्स्ट इनकाउंटर होना है, तो वो बाकी एरिया की नस्बत ज़्यादा हमारे लिए एम्बैरसिंग होता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो इसी रिलेटेड है कि जब कोई हमें डेंटिस्ट्री का प्रॉब्लम आता है तो उसके साथ कौन कौन से साइको और सोशल इशू हम रिलेट करते हैं, और पेशेंट को इस प्रॉब्लम के साथ किन किन साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट को फेस करना पड़ता है। तो हमारी ज़ुबान, जो कि हमारे जिस्म का सबसे वो एरिया है जो पैदाइश के साथ ही वेल डेवलप होता है और 2 माह में ये अपनी पूरी फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है, उसके साथ हमारा इनकाउंटर जो होता है दूसरे लोगों के साथ, जो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो हमारे माउथ के थ्रू होता है। अगर हमारे जो कम्युनिकेटेड एरिया है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इंसान की जो सबसे ज़्यादा ग्रेस होती है वो शुरू होती है इंसान के माउथ से, तो जब उसका माउथ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे इस चीज़ को डिस्कस करने में ज़्यादा हेजिटेशन फील होती है। तो इसलिए इसको सेपरेट पढ़ना इसलिए ज़रूरी था कि इसके बाकी एरिए जो एक्सप्लेन होते हैं वो इसी चैनल के थ्रू होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या अभाम है, क्या क्या प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस करते हैं इस सारे सिनेरियो में, कि किस तरह ये मुख्तलिफ है, किस तरह ये डिफरेंस है इसमें दूसरी स्पेशलिटी के थ्रू। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी मेडिकल और डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या प्रॉब्लम डिफरेंट है हमारे डेंटल एक्सपर्ट के पास जाने में। सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो हमारी होती है पोजीशन, कि जितने भी डिसऑर्डर हैं जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड पोस्चर होता है कि 90 का एंगल, लेफ्ट साइड सिटिंग, इस तरह दूसरी सारी सेटिंग एक स्टैंडर्ड है। लेकिन जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो हमारी पोजीशन बहुत मिजरेबल कंडीशन में होती है कि हम डॉक्टर के बिल्कुल क्लोज होते हैं। यानी कि जो मेन चीज़ प्रॉब्लम यहाँ कर रही होती है वो हमारी पोजीशन होती है। तो पोजीशन जो बहुत अनकंफर्टेबल होती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो अनकंफर्ट फील करता है, तो इस कंडीशन में हम बिल्कुल हेल्पलेसनेस महसूस करते हैं कि एक डॉक्टर के सामने हम मुंह खोल के बैठे हैं और वो हमारे सारे प्रोसीजर कर रहा है, जो कि पेशेंट के लिए थोड़ा एम्बैरसिंग होता है। और हम बहुत बेबस होते हैं, हम 100% उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो हमारे साथ किस ट्रीटमेंट में किस टाइम तक साथ रहेगा। उसके बाद हम इन सारे प्रोसीजर में कोई बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते। दूसरे मिसाइल में एक क्वेश्चनिंग आंसर होता है, जो एक्सपर्ट होता है वो आपसे कोई क्वेश्चन करता है, पेशेंट उसका रिस्पांस देता है, और ऑन द बेस ऑफ हिस्ट्री फिर हम उसको वो डॉक्टर जो है वो उसको डायग्नोज करके प्रिस्क्राइब करता है या फर्दर प्रोसीजर में लेके आता है। लेकिन इस कंडीशन में जो हमारी पोजीशन होती है वो बिल्कुल म्यूट होती है, पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर डॉक्टर से कोई बात नहीं कर पाता, वो अपनी अनकंफर्टेबिलिटी के बारे में कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और यही वो चीज़ है जो पेशेंट के लिए ज़्यादा फोबिक होती है, कि ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम कम्युनिकेट करता है, और कम्युनिकेशन के इस प्रोसेस में उसकी जो प्रोसीजर में क्या क्या हर्डल हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो इससे अनअवेयर होता है, और ये अनअवेयरनेस उसे मज़ीद जो है वो स्ट्रेस में लेके जाती है। एक तरफ पेशेंट पेन में है, दूसरी तरफ वो ऐसी पोजीशन में है कि वो अपनी पेन को ड्यूरिंग प्रोसीजर एक्सप्लेन ना कर सके, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो होता है एग्जामिनेशन, कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो डॉक्टर है वो जो एग्ज़ाम करता है पेशेंट को, वो एक बहुत
बहुत मिजरेबल कंडीशन में होता है कि बिल्कुल एक मुंह खोल के या पेशेंट के सबेक्शन डॉक्टर के सामने बैठा है और वो उसका एग्जामिनेशन कर रहा है और जो फिज़िकल डिस्टेंस है वो इंतहाई कह लें कम होता है। और बाज़ औक़ात इस तरह के प्रोसीजर में इंसान का कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से वो इस प्रोसीजर में आने से पहले ही अपने उस प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से वो फोबिक होता है। तो ये वो मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से डेंटल फोबिया क्रिएट होता है। अब सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि फोबिया होता क्या है। फोबिया इरेशनल जो डिसप्रोपोर्शनेट फियर होता है, जो नॉर्मल फियर होता है, वो जैसा स्टिमुलस होता है उसके हिसाब से उतना ही वो प्रोपोर्शनेट होता है। लेकिन जब फियर फोबिया में कन्वर्ट होता है तो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी और इसकी रैशनैलिटी दोनों डिस्टर्ब हो जाती हैं। मतलब कि जो स्टिमुलस है वो इस हद तक फोबिक नहीं है लेकिन उसकी जो रिएक्शन पेशेंट दे रहा है वो दोनों में प्रोपोर्शन का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब प्रोसीजर बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर्स भी होते हैं लेकिन डेंटल जो प्रोसीजर होता है इतना एक्सपेंसिव और इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद जो पेशेंट का फियर होता है वो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। लोग परेशान होते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या वो प्रोसीजर करेगा जिससे पता नहीं फिर हमारी लुक ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि जो अपीयरेंस है वो पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और पर्सनैलिटी के इम्पॉर्टेंट पार्ट में सबसे पहले जो आता है वो इंसान का माउथ ही है। अगर उसके माउथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी लुक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी डैमेज होती है। ये वो फियर्स हैं जो बिफोर द प्रोसीजर पेशेंट के जहन में होते हैं और वो हमेशा इनसे फियरफुल रहता है कि अगर ड्यू टू एनी रीज़न इफ़ हर आर हिज अपीयरेंस डिस्टर्ब देन हाउ दे कैन रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट। सो डेंटल फोबिया जो है वो प्रीवियस एक्सपीरियंस या जो हम मुआशरे से चीज़ें देखते हैं, जो हमने देखा होता है, लर्न किया होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, वो इंसान के अंदर खुद एक फियर क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से उसको बहुत सी जो साइकोलॉजिकल सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं बिफोर प्रोसीजर, डिस्टर्ब स्लीप, नर्वसनेस, crying, fear of physical illness, intensive uneasiness and difficult to breathing. These are the general symptoms of anxiety. But the main reason of anxiety is different. In a generalized anxiety, the patient feels stress in every situation, and in hydrophobia and insect phobia, there are all different types of phobia. Yani ke fear due to any reason, irrational fears, disproportionate fear due to any reason. On the same line, and the fear regarding the dental procedure is known as dental phobia. But symptom of all the phobias remain same, as I already discussed: disturbed sleep, nervousness, crying, and feeling uneasy, intensive uneasiness, and difficulty in breathing. Now we going toward the cause of dental phobia. Why phobia create? The basic क्वेश्चन इज़ दैट के हर इंसान इस डेंटल प्रोसीजर से गुजरता है, बास को कम फोबिया होता है, बास को ज़्यादा फोबिया होता है। इसकी क्या रीजंस हैं? डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इसके डिफरेंट रीजंस बयान करते हैं। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है यानी कि साइकोनालिसिस, अकॉर्डिंग टू साइकोनालिसिस फोबिया क्रिएट ऑन द बेस ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, यानी जो लोग बचपन में किसी न किसी चीज़ से फोबिया खौफज़दा होते हैं या कोई उनका प्रीवियस लॉस होता है, वो प्रीवियस लॉस जो है वो रिलेट कर लेते हैं अपने करंट सिचुएशन से बिहाइंड द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। तो जो चीज़ों का एक नेचुरल खौफ जो होता है वो पेन का है, इंजेक्शन का है, जो इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट हैं, दीज आर द डिफरेंट थाट्स कम इन अ पेशेंट माइंड when he or she encounter to the dental surgeon. And apprehension is the most prominent symptom of anxiety. What will be the happen, kya ho jayega, pain kitni hogi, there are the different many question arise in a patient mind when he or she visit the dental surgeon. First question, the ratio of pain.
of injection and concern about the efficacy of injection, fear of side effect of anesthesia procedure and feeling of helplessness, fear of loss of control, embarrassment and loss of personal space. Yes, the main difference between different gender, male to female, in general practice mostly female doctor deals a male and male doctor deals a female, but in dental procedure it's matter is most concerned because physical distance become very short, and in this situation the patient feel comfort or uncomfort on the base of their gender. If a female doctor deals a male, the male or female, both parties feel uncomfortability. But it's a different individual differences, but the most common scenario which we discussed, the communication effectiveness. Highly competent, make each meeting painful, and nurture relationship, develop rapport, empathy, responding appropriately and meaningful, keep environment of dental office relaxed, organized and caring are the qualities of an expert dentist. But in short, we can say that these are the 9 points which make easy that procedure. If a dentist keep all these points in their mind before the procedure, the patient comparatively feel relaxed. Before the procedure, communicate all pros and cons of the procedure and the level of pain, the duration of the procedure and other technicalities which they use during the procedure, discussed before the application. यहाँ जो सबसे अहम चीज़ है वो कम्युनिकेट है कि एक डेंटिस्ट किस तरह कम्युनिकेट करता है सारे प्रोसीजर को, कितना कम्युनिकेट करता है, जितने लाइट मोड में एक डेंटिस्ट इस सारे प्रोसीजर को, इस सारे काम को एक्सप्लेन करेगा, पेशेंट का जो स्ट्रेस लेवल है उस लेवल तक वो कम होगा। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा फोबिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसकी रीज़न उसके दिमाग में आने वाले वो क्वेश्चन है जो वो कर नहीं पा रहा, जिनका जवाब उन्हें मिल नहीं रहा। अगर एक डेंटिस्ट उन प्रोसीजर में आने से पहले वो सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दे तो पेशेंट की जो एंजाइटी है वो बहुत कम हो सकती है। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो होती है कि जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी मीटिंग जो है वो पेन फ्री होनी चाहिए, यानी उसे अगली मीटिंग या अगले स्टेप की कोई कन्फ्यूजन ना हो। जितना ज़्यादा पेशेंट कन्फ्यूजन में डॉक्टर का क्लिनिक छोड़ेगा, नेक्स्ट मीटिंग या नेक्स्ट प्रोसीजर उतना ज़्यादा पेनफुल होगा। तो जो कोर कंडीशन ऑफ मेडिकल एथिक्स है कि क्लियर ऑल द क्वेरीज ऑफ द पेशेंट एंड बिल्ट द रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, ट्रस्ट रिलेशनशिप। पेशेंट को ये लगना चाहिए कि जिन हाथों में मैं जा रहा हूँ, जो मुझे डील कर रहा है वो मेरा वेल विशर है, वो मुझे पेन नहीं होने देगा, वो मेरी बेहतरी चाहता है। अगर इस चीज़ का पेशेंट को यकीन है तो पेशेंट जो है इस सारे प्रोसीजर में कंफर्ट फील करेगा और वो सारा प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद दूसरी साइड पे डॉक्टर हैज टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द पेशेंट, दिस इज द कोर मेडिकल एंड मॉरल एथिक्स ऑफ द प्रैक्टिस, एम्पथी। एम्पथी मीन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ पेशेंट, इन ए डॉक्टर शुड बी अंडरस्टैंड व्हाट पेशेंट फील। अगर ये डॉक्टर महसूस नहीं करता, ये समझता नहीं है कि जो पेशेंट की क्या कंडीशन है, तो वो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिस पर उसने प्रोसीजर करना है, उसके लिए एक प्रोसीजर है सिर्फ। लेकिन यहाँ बात हो रही है इंसानों को डील करने की, बिहेवियर की। जितना ज़्यादा पेशेंट इस चीज़ पर ट्रस्टेड होगा कि जो उसको प्रोसीड करने वाला है, ट्रीट करने वाला है, वो जितना ज़्यादा उसको अपने साथ अटैच कर पाता है, अपनी फीलिंग को उसके साथ शेयर कर पाता है, उतना ज़्यादा जो है वो प्रोग्नोसिस बेहतर होगा।
तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो पेशेंट की जो क्वेरीज हैं, जो उसका माइंड में कन्फ्यूजन है, वो क्लियर करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है हमारा इन्वायरमेंट कि जहाँ ये सारा प्रोसीजर होना है वहाँ इनका इन्वायरमेंट क्या है। अब अक्सर वहाँ जो डेंटल सेटअप में देखा होता है, इतने खौफनाक सी तस्वीरें लगी होती हैं, इतने खौफनाक सा माहौल बना होता है, इतने वहाँ चार्ट लगे होते हैं ड्रोने से। तो सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है कि पेशेंट एंटर द रूम देन फील रिलैक्स। बट इफ यू एक्सप्रेस योर रूम एज ए हॉरर प्लेस देन द एंग्जाइटी ऑफ द पेशेंट बिकम इंक्रीज। सो ट्राई टू कीप योर क्लिनिक शुड बी काम एंड रिलैक्स। तो जितना माहौल रिलैक्स होगा, जितना इन्वायरमेंट कम्फर्ट होगा, पेशेंट की क्वेरीज रिगार्डिंग अपनी डिजीज के रहेगी, ना कि इन्वायरमेंट के। क्योंकि पेशेंट जो देखता है उसको वो अपने मीनिंग्स देता है। एक डेंटिस्ट ने जो इन्वायरमेंट बनाया होता है या बनाना है वो अपने हिसाब से बनाना है, लेकिन पेशेंट ने उस इन्वायरमेंट पे जो क्वेश्चन उठाने हैं वो अपने हिसाब से उठाने हैं। और यही वो कम्युनिकेशन गैप है जो पेशेंट को स्ट्रेस में लेके जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इन्वायरमेंट हो वो ऐसा हो कि पेशेंट पेन के साथ आए लेकिन उस इन्वायरमेंट में कम्फर्ट फील करे, एक होप फील करे कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ये वो चीज़ अनकॉन्शियसली रैपिड डेवलप करती है पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान कि दैट्स अ पर्सन जो मुझे पेन फ्री करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो माहौल है वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए। फिर जो जनरल टेक्निक्स हैं एंग्जाइटी को कम करने की, स्ट्रेस को कम करने की, उसे एक्सपर्टली यूज़ करें। इट्स नॉट नेसेसरी ऑफ अ जॉब ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल पर्सन टू गिव द स्पेशल टेक्निक फॉर एंग्जाइटी रिडक्शन, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्पेशलिस्ट हु डील द पेशेंट्स, बिकॉज इट्स अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एवरी फील्ड, नॉट नेसेसरी ओनली इन स्पेसिफिक साइकाइट्री और साइकोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट द पेशेंट, सपोर्ट इन सेंस ऑफ थॉट्स, सपोर्ट इन सेंस ऑफ पेन, सपोर्ट इन सेंस ऑफ फियर। यानी कि पेशेंट को हर स्टेप पे एक ऐसे शख्स की मौजूदगी का एहसास होना चाहिए जो किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में उसको हेल्प आउट करेगा। तो ये करेगा थ्रू साइकोलॉजिकल सपोर्ट के मेंटली तौर पे पेशेंट को रिलैक्स रखें ताकि वो आगे प्रोसीजर में कंप्लाई करे और उसको कम से कम स्ट्रेस फील करना पड़े अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के हिसाब से। उसके बाद ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर द मेन थिंग इज फोकस। अगर कोई इंसान हर वक्त फोकस अपनी बीमारी पे रखता है तो उसकी पेन मज़ीद बढ़ती जाती है। तो सिंपल रखें टेक्निक्स को, उसका जो दिमाग है पेशेंट का वो अपने उस प्रोसीजर की तरफ ना हो, जिसको हम आम साइकेट्रिक टर्म में डिस्ट्रक्टिव टेक्निक कहते हैं, डिस्ट्रक्शन की। कि जब एक प्रोसीजर चल रहा होता है तो पेशेंट का फोकस और पेशेंट के सारे थॉट्स उस प्रोसीजर की तरफ होते हैं। जब पेशेंट के सारे थॉट्स उस प्रोसीजर की तरफ होने हैं तो उसके दिमाग में डिफरेंट क्वेश्चन उठने हैं, डिफरेंट अप्रीहेंशन उठती हैं जो उसकी फोबिया को मज़ीद बढ़ाएंगी। तो पेशेंट का जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट रखें, जिसके बहुत सी टेक्निक्स हैं। अगर डेंटिस्ट बच्चों को डील कर रहा है तो सामने जो उसकी काउच है, डॉक्टर काउच, उसके सामने LCD वगैरह लगा दी जाए, कार्टून वगैरह लगा दिए जाएं, ताकि डॉक्टर जो प्रोसीजर कर रहा है पेशेंट उसके पैरेलल ना हो, पेशेंट का जो माइंड है वो दूसरी तरफ हो, ताकि कम से कम फोकस पेशेंट का अपने प्रोसीजर की हो जिसकी वजह से उसे स्ट्रेस हो रही है। इट मींस डिस्ट्रैक्शन हो उसकी अपने प्रोसीजर की तरफ से। अगर कोई अडल्ट को डील कर रहा है तो उसके साथ आपकी कन्वर्सेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि वो अपना सारा ध्यान जो है वो दूसरी तरफ रखे, ताकि उसको प्रोसीजर की तरफ ध्यान रखने से जो उसके जहन में स्ट्रेस आनी है वो कम से कम आए। एंड थर्ड वन इज हिप्नोसिस। हिप्नोसिस इज अ टेम्परेरी स्टेट ऑफ ट्रांस, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल इन ऑल पेशेंट्स, ओनली इन स्पेशल टेक्निक्स विच आर नॉट एप्लीकेबल इन ओवर सेटिंग। इट्स ओनली अ टेम्प्रेरी स्लीप
But in most cases, if we use hypnotic, then it become also alternate of hypnotherapy. यानी कि इन शॉर्ट में कि पेशेंट को जो टेम्प्रेरी ट्रांस में लेके जा सकते हैं, ये भी एक डिस्ट्रक्शन है. जो दूसरी डिस्ट्रक्शन है वो कॉन्शियसली है. ये अनकॉन्शियस डिस्ट्रक्शन है कि पेशेंट उस इन्वायरमेंट से ही डिटैच हो जाए जिसमें ये सारा प्रोसीजर हो रहा है. मेन मकसद पेशेंट का फोकस जो है वो उस सिचुएशन की तरफ से हटाना है जो वो देख के डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन करेगा. तो इन सारी चीज़ों का जो डिपेंड करता है वो करता है कम्युनिकेशन पे, काउंसलिंग पे. बिफोर स्टार्ट द एनी प्रोसीजर डिस्कस एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटी रेज विद द कॉज ऑफ क्वेश्चंस. पेशेंट क्वेश्चन जब करता है तो वो उसकी एंग्जाइटी को कम या ज़्यादा करते हैं. तो एक डेंटिस्ट को चाहिए कि जब वो कोई प्रोसीजर करता है तो उससे पहले पेशेंट के दिमाग में उठने वाली तमाम अभाम, तमाम अप्रीहेंशंस, तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करें ताकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट का स्ट्रेस लेवल कम से कम रहे. तो पेशेंट का जो ये फोबिया है ये डिपेंड करता है उसके पर्सनैलिटी फैक्टर पे, उसकी अपब्रिंगिंग पे, किस माहौल में उसकी परवरिश हुई है. हमारा जो हर स्टेप है ज़िंदगी का, जो भी हम डील करते हैं, वो कनेक्टेड होता है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस, हमारी प्रीवियस ट्रेनिंग पे. जैसा हमारी रिफ्लेक्सेस होंगे, जैसी हमारी प्रीवियस ट्रेनिंग होगी, वैसे ही हम इनकमिंग न्यू स्टिमुलस की तरफ रिएक्ट करेंगे. जो इरेशनल फियर है वो भी हमारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से ही आइडेंटिटी करता है. तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिफोर एनी प्रोसीजर यू शुड क्लियर द पेशेंट माइंड.